तो भाइयों मैं चार बुक के बारे में बताऊंगा, उसमें से कौन सी अच्छी है सबको कंपेयर करके और सबसे बेस्ट कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो चार बुक्स हैं उनमें से पहली बुक है ये अरिहंत की एचटैट, और दूसरी है आर गुप्ता एचटैट के लिए, और तीसरी है एक कंटेंट के लिए स्पेशली, ऐसा कुछ है नहीं है, पीजी की केवी की है, केवीएस के लिए, और जो चौथी है सवारण। ये थोड़ा सा पुराना एडिशन है सवारण का, तो इसका कंटेंट इतना खास नहीं लगा मुझे। मतलब इसमें देखोगे आप, ये पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोलॉजी दे रखी है, ठीक है, 176 पेज तक हिंदी लैंग्वेज और ये, बट मैं बताऊँ, फ्रेंडली बताऊँ तो इसका कंटेंट मुझे इतना खास लगा नहीं। बहुत सारा कंटेंट है इसमें, तो इसमें ना क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं, क्वांटिटी है इसमें बहुत ज़्यादा। और जनरली हम सबको पता है कि मतलब बुक्स का जो कंटेंट है ना, जो पुरानी बुक का जो वर्जन था या नया था, उनमें कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस वो उसमें बस लेटेस्ट पेपर वगैरह ऐड कर देते हैं, यही डिफरेंस रहता है। उसके उसके लिए मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। अभी पहले ये एचटेट आर गुप्ता की देख लेते हैं। इसका जो कंटेंट है इसमें पेपर, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कंटेंट जिन्होंने पेपर वाला कंटेंट दिया ना, वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें मतलब 2020 जो लेटेस्ट पेपर हैं, 2014 से लेके 20 तक के पेपर दिए हुए। और लेकिन जो बाकी सा कंटेंट है ना, जो रियल कंटेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है। वो इसकी पहली जो बुक थी ना सवारण, उस जैसा कंटेंट है बिल्कुल, एकदम क्वांटिटी भरी हुई है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं है इस कंटेंट में। जितने भी इसका हिंदी इंग्लिश रिवीजन या रीजनिंग जो आप देख सकते हो, कॉल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन, ये सब क्वांटिटी दे रहे, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। और ये जो ऊपर पेपर दिए हुए हैं ना, इसमें इसमें भी कुछ आंसर्स मिसिंग है और कुछ आंसर रॉन्ग है, ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ ही रॉन्ग्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल कहूँ तो ये जो पेपर वाला कंटेंट है ना, इसका आर गुप्ता का बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं तीसरी बुक, ये जो सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, केवी एनवीएस और अदर पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बोला हुआ है, बट इसमें जो है सिर्फ कंप्यूटर साइंस का पार्ट है और कोई पार्ट नहीं है। जो भी मतलब बाकी के पेपर्स में आता है ना, साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश जो भी कॉमन सब्जेक्ट है, वो नहीं है इसमें। बट इसका जो कंटेंट है, अगर मैं कंटेंट देखूँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला है, बेटर है। मतलब अरिहंत का ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा ही होता है, जो ये अरिहंत की कंपनी इसको प्रोवाइड करती है, तो उसका कंटेंट जनरली अच्छा है और स्पेसिफिक दिया हुआ है, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही डीप दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें मतलब क्वांटिटी टाइप नहीं लिखी है। और जो लास्ट बुक है अब, जो फोर्थ वन है, और मैं इसे मतलब इन सब के कंपेरिजन में बेस्ट बुक कहूँगा। मतलब अब ये तो नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट बुक है, अंधों में काना राजा टाइप चीज़ है, कि मतलब अगर बाकी बुक से मैं कंपेयर करूँ स्वारण से या आर गुप्ता से, तो ये एचटेट का जो अरिहंत वाला ये बुक है ना, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब लेवल थ्री की ये बुक। और इसमें 2019 का सॉल्व पेपर भी मिलता है, मतलब एक ही पेपर सॉल्व मिलता है, ये थोड़ा सा मुझे बैकवर्ड लगता है इसका, लेकिन जो पेपर इसने सॉल्व किया है ना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की हुई है, इसने हर चीज़ को हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, बस पेपर कम है। तो अगर आपको सच में मतलब कंप्यूटर साइंस की तैयारी करनी है और बहुत कम टाइम है आपके पास और आपको सिर्फ क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है, सिर्फ क्वालिटी वाला, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये कंप्यूटर साइंस की जो अरिहंत की बुक है ना, वो बहुत मतलब बेस्ट है। बाकी मुकाबले देखो, इसका कंटेंट भी आप अगर देख पा रहे हो तो जनरल स्टडीज़ हैं, ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश जो दिए, मतलब बहुत माइनर सी दिए, बट ठीक ठीक दिए, हिंदी इंग्लिश तो यहाँ से कोई पढ़ेगा भी नहीं, यहाँ से प्रैक्टिस करेगा हिंदी इंग्लिश की। जनरल ये जो रीजनिंग है वो सही है, ठीक है, मैथ्स अच्छा दे रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो अच्छा दे रखा है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी भी बढ़िया है, पॉइंट टू पॉइंट है, हर टॉपिक कवर किया हुआ है इसने, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने आए हैं वो सब इसने कवर किए हुए हैं अच्छे से। एज अ कंटेंट वाइज अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बढ़िया बुक है, मतलब बाकियों से बेस्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया तो क्या कहूँगा, क्योंकि बहुत बढ़िया तो आपको एक साल लगता है तैयारी करने में, लेकिन अंधों में काना राजा टाइप बात हो जाती है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और इसका जो बाकी कंटेंट है, अगर मैं आपको सेकंड कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज का या कंप्यूटर साइंस का जो भी इसका कंटेंट है, और जो जो अरिहंत की पहले थी सेल्फ गाइड,
उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है, उसमें मोर स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। बेसिकली जितना नीडेड है, जितना सफिशिएंट है कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि बेसिक बेसिक से आता ज़्यादातर, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत सफिशिएंट कंटेंट दिया। मतलब कंटेंट को ना बहुत छाट के बनाया हुआ है इन्होंने, जो अरिहंत वाले हैं, और इनका कंटेंट सेम होता है। जैसे पिछले साल की बात उठाओगे ना, 2018 की, जैसे 19 की है, 18 की उठाओगे, कंटेंट सेम है, बस ये पेपर बदल देते हैं और बता देते हैं कि ये अपडेटेड है, और पैसे बढ़ जाते हैं। तो हर बुक का कंटेंट वही रहता है, वो बार बार चेंज नहीं करते। और अरिहंत की एक खास बात है कि लैंग्वेजेस की, मतलब ठीक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है और क्वालिटी कंटेंट डाला हुआ है, ऐसे भर भर के आर गुप्ता की तरह क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं दी है। लास्ट में पेपर पैटर्न इसने बताया है, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ ना बेस्ट वे है इसको तैयारी तैयारी करने का, सबसे बेस्ट वे कौन सा है, कि ये अरिहंत की बुक ले लीजिए 2019, जो अगर मैं रिकमेंड अपने आपको, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अरिहंत की ये कंप्यूटर साइंस की लेवल 3 की बुक ले लो, प्लस आर गुप्ता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मंगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो अगर आपके आसपास नहीं मिलती। और ये जो अरिहंत वाली बुक है एचटेट की, ये जितनी बुक है इन सबका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप डायरेक्टली उस पर पहुँच सको, आपको कोई और टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। और आपको अब प्राइस अपडेट भी मिल जाएगा सीधा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मतलब अगर मेरे से कोई, मेरा छोटा भाई अगर ओपिनियन मांगेगा तो मैं उसको यही गाइडेंस दूंगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सी बुक पसंद है, किस तरह आप पढ़ना चाहते हो, आपको क्या पता है आर गुप्ता अच्छी लगती हो। मुझे तो अरिहंत बहुत अच्छी लगी और क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। और ये जो आर गुप्ता का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ये ज़रूर मंगा लेना, मतलब क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा बेसिकली एग्ज़ाम का पैटर्न का समझने में, कि आपको कैसा एग्ज़ाम आता है एचटेट का, कंप्यूटर साइंस का बेसिकली। और इस बार तो अच्छी वैकेंसीज भी है, तो लोग ऑब्वियसली एफर्ट तो लगाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम दो अच्छे से, और डायरेक्ट बुक पे जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, और एज अ मतलब मेरे हिसाब से तो आँख बंद करके मंगा लो ये चीज़, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो काम का लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इन्फॉर्मेशन और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भेज देना वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।